वेलकम दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ खट्टी कड़वी बातें। अब आप ये सोचेंगे खट्टी कड़वी कैसे, हमने तो खट्टी मीठी सुनी है या खट्टा मीठा। खट्टी कड़वी इसलिए क्योंकि आज हम 10th क्लास का ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो एसिड्स वो हैं जो खट्टे होते हैं और बेसिस वो हैं जो कड़वे होते हैं। जो एक क्लासिकल डेफिनेशन है एसिड्स एंड बेसिस की, और साल्ट्स तो नमकीन साल्टी होते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स की। तो एसिड शब्द जो है ये, जैसा कि मैंने बताया, खट्टे होते हैं कड़वे, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि चारों कॉन्सेप्ट को हम पहले एकदम रिवाइज कर लें कि क्या है। हालांकि इसकी डिटेल आपके हायर क्लासेज में आएगी, फिर भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा इसको कि एसिड्स एंड बेसिस क्या हैं। जो अपना क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एसिडिक वो हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं, और बेसिस वो हैं जो बिटर होते हैं। जो खट्टे होते हैं वो एसिड हैं, और जो कड़वे होते हैं वो क्या हैं, बेस है। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो सबसे फेमस है, जो आज तक हम सबसे ज्यादा यूज करते आ रहे हैं, करते रहेंगे आपके खासकर 10th लेवल पर, वो है अरहीनियस कॉन्सेप्ट, जो मैं ये बताता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एच पॉजिटिव रिलीज करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तीसरा कॉन्सेप्ट है अपना लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। ये अलग अलग नेम है साइंटिस्ट के। लोवरी ब्रोंस्टेड ने क्या बताया कि हो सकता भाई कहीं OH नेगेटिव ना हो, यानी कि एच पॉजिटिव, केवल प्रोटोन को उन्होंने अपना बेस मान लिया, और ये बताया कि जो एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं, जो छोड़ते हैं वो एसिड है, और जो एच पॉजिटिव ले लेते हैं वो क्या है, बेस है। और लास्ट है लुईस कॉन्सेप्ट, लेविस, ये लेटेस्ट है। इसने ये बताया कि हो सकता है भाई एसिड में बेस में कहीं एच पॉजिटिव OH नेगेटिव हो ना हो, लेकिन कोई भी एटम है उसमें कंपलसरी है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जरूर होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ले लेता है, किस लिए लेता है, इस एच पॉजिटिव के लिए चाहिए उसको। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ले लेगा वो एसिड है, और जो इनको डोनेट करेगा वो बेस है। तो ये एक निष्कर्ष है एसिड और बेस का। ये चार कॉन्सेप्ट हैं। क्या क्या है, क्लासिकल सोर एंड बिटर, अरहीनियस क्या है, छोड़ने वाला एच पॉजिटिव छोड़ने वाला एसिड, और OH छोड़ने वाला बेस। लोवरी ब्रोंस्टेड क्या है, एच पॉजिटिव छोड़ने वाला एसिड, लेने वाला बेस। और लुईस कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर्स को जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, और जो डोनेट करता है वो बेस है। तो आओ स्टूडेंट्स शुरू कर लेते हैं एसिड्स बेस एंड साल्ट्स का ये चैप्टर। ये टेबल ऑलरेडी मैंने बना दी है ताकि अपना टाइम वेस्ट कम हो। तो एसिड से शुरुआत करते हैं। एसिड क्या चीज है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, सोचा होगा कभी कि भाई कुछ चीजें खट्टी होती है, जैसे कि क्या आपने सोचा कभी कि ग्रेप्स खट्टे क्यों होते हैं, ऑरेंज खट्टा क्यों होता है। तो बहुत सी चीजें हैं, दही है खट्टी होती है, तो बहुत सी चीजें हैं ये खट्टी क्यों होती हैं। इसका कारण होता है प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि इनके अंदर एसिड पाया जाता है जिसके कारण ये खट्टी होती हैं। लैटिन वर्ड है एसिडस, इससे डिराइव होके एसिड बना हुआ है, और ये जो लैटिन वर्ड एसिडस है इसका मीनिंग ही होता है सोर टेस्ट। जिसका भी टेस्ट खट्टा है उसको एसिडस बोल देते हैं लैटिन में। तो वहीं से इस एसिड शब्द का जन्म हुआ है। होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बताएंगे कि जो एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है। अब एच पॉजिटिव जहां भी मैं कहूं, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, एच पॉजिटिव आयन कहूं या उसको मैं प्रोटॉन्स कह लूं,
या फिर उसको मैं कहूं हाइड्रोनियम आयन, तो ये तीनों एक ही बात है। तो जब उनका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस के बिना नहीं मिलेगा आपको, जब एक्वस सॉल्यूशन बनाए और हमें एच पॉजिटिव आयन मिले, तो जो जो ऐसा करेंगे, जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं वो कहलाते हैं एसिड्स, यानी कि हम कह सकते हैं विच प्रोवाइड्स एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे वही एसिड्स हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं एक, जैसे HCl है, जैसे ही आप HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, एक्वस मींस वाटर, यही कर लेते हैं, वाटर के अंदर डालें HCl को, तो आप ये पाएंगे कि ये जो HCl है और H2O है, ये दोनों टूटेंगे आपस में। ये किस में टूटता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव आयन ये भी टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इस वाटर के साथ मिलेगा, इसको अभी तोड़ने की जरूरत है हमें, तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन, यानी कि ये बनेगा H3O पॉजिटिव। ये हाइड्रोनियम आयन है। कैसे बना है? जब वाटर ने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव को, तो जब मैं इस पूरे चैप्टर में H पॉजिटिव आयन कहूं या ये कहूं हाइड्रोनियम आयन, तो आपको समझ जाना है बोथ आर द सेम थिंग्स। अगर मैं ये कहूं H पॉजिटिव आयन या मैं कहूं हाइड्रोनियम आयन, तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि H2O ने जब H पॉजिटिव लिया है तभी क्या बना है? ये बना है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव प्रोवाइड करे या हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन हो, उसी को हम कहते हैं एसिड। जब आप ये, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपको वाटर के अंदर एसिड डालना है, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है। ऑलवेज एड एसिड टू द वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। आपको एसिड दिया हुआ है तो इसके अंदर आपको वाटर नहीं डालना है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजन के साथ हो सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करता है उसको नुकसान हो सकता है। तो जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपके पास वाटर होना चाहिए, उस वाटर के अंदर आप एसिड को डालें ड्रॉप ड्रॉप करके, तब ये एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। और उस एक्वस सॉल्यूशन में अगर एच पॉजिटिव हमें मिल जाए या हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये चीज क्या है जो भी हमने ली है, ये एसिड है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे HNO3 जब वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे, अभी इस पूरे की बजाय मैं सीधा ये लिख देता हूं H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव वाटर के साथ मिलाओगे फिर वही बनना है, तो ये भी क्या है? एक एसिड है। जब ये अपने आयन्स में टूट रहा है, किसी भी सब्सटेंस का अपने आयन में टूट जाना, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन, मींस ब्रेकिंग अप इनटू आयन्स, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? डिसोसिएशन। डिसोसिएट मींस टूट जाना। तो सिंपली अब तक हमने क्या पढ़ा है? एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है, द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड एच पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन अपॉन डिसोसिएशन इनटू एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनाए यानी कि वाटर के अंदर उनको मिलाए, अगर हमें एच पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन, बोथ आर सेम थिंग्स, अगर ये मिलते हैं, तो ऐसी चीज को कहा जाता है एसिड। ये थी एसिड की डेफिनेशन। बहुत सारे एसिड हैं, ये तीन तो फेमस हैं, ये तो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी जब टूटेगा क्या बनाएगा? एच पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, तो इसके लिए हमें 2 पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी ताकि अपना चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। टाइप ऑफ एसिड्स, ये जो टेबल है ये ऑर्गेनिक एसिड की है। तो टाइप्स ऑफ एसिड क्या होते हैं?
दो टाइप के एसिड अपने पास हैं। एक तो ऐसे हैं जो प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और दूसरे होते हैं जो मिनरल से मिलते हैं, जिनको हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अपनी, एसिड्स को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, बांट रहे हैं, किस किस में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स, जिसकी ये टेबल है, और सेकंड होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स, या इनऑर्गेनिक का ही एक और नाम है मिनरल एसिड्स। तो ये किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाएगा, वो ये टेबल है, और ये आपको याद करनी पड़ेगी। समझने की भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं, लेकिन याद करने की ज्यादा हैं, यानी कि यहां तो आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको क्रैम करनी ही पड़ती हैं साइंस मैथ में, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, आप आसानी से उसको क्रैम कर लें, वो अलग टिप्स हैं। जैसे कि अब हम ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ रहे हैं, टैमरिन, इमली आपके पास है या ग्रेप्स है, इनमें होता है टार्ट्रिक एसिड, टी टैमरिन टार्ट्रिक एसिड, टैमरिन एंड ग्रेप्स क्या है, टार्ट्रिक एसिड इनमें पाया जाता है। ऑरेंज लेमन है तो इनके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इनको सिट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं। अब देखिए गलती कहां होती है, कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई खट्टी चीजें हैं, ग्रेप्स भी खट्टे होते हैं, लेमन भी खट्टा है, ऑरेंज भी खट्टा है, इमली भी खट्टी है, तो कहीं एक ही एसिड तो नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इनमें क्या है अलग अलग एसिड है। स्टिंग्स जो होते हैं जैसे बीज है, एंट्स है, टैनिंग लेदर इसमें भी है, और मेडिसिंस फॉर ट्रीटिंग गाउट इनमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, विनेगार है, या फिर सॉल्वेंट इन डाइज एंड परफ्यूम्स, इनमें एसिटिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड का बड़ा भाई एसिटिक एसिड, यानी जिससे अगला एसिड है ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। कर्ड में, दही के अंदर या दूध जब खट्टा हो जाए उनके अंदर जो एसिड है इसका नाम है लैक्टिक एसिड। फूड प्रिजर्वेटिव है, इनके अंदर पाया जाता है बेंजोइक एसिड, याद रखना है बहुत बार, ये तो आप कोई भी फूड आइटम देखेंगे, कोई आप जूस लेके आते हैं पैक्ड या ऐसी चीजें रूह अफजा वगैरह, तो काफी आपको बोटल्स पर मिले भी गाइए बेंजोइक एसिड, कई जगह मिलेगा आपको लिखा हुआ, इट इज फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड्स को खराब होने से बचाता है वो। टोमेटोज, केचप जो आप खाते हैं, ये जो रेडीमेड चटनी जिसको कहते हैं, ये जो आई हुई है, इनमें क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड। टी, टी के अंदर है टैनिक एसिड, ये भी आपने टी टाइटैनिक, टाइटैनिक फिल्म देखी है ना, उस बेस पे इसको क्रैम कर सकते हैं, टी टैनिक टाइटैनिक टाइप, तो टी इनके अंदर क्या है टैनिक एसिड है। फैट्स के अंदर है स्टीयरिक एसिड, एप्पल्स मैलिक एसिड, रेंसिड बटर है, रेंसिड फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जिन फूड्स में ऑयल और फैट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन से खराब हो जाते हैं, जिसको कहते हैं रेंसिडिटी, तो जो खराब हुआ है रेंसिड बटर है जिसमें बैड स्मेल आती है, उसमें है ब्यूटायरिक एसिड, ये देखिए बटर ब्यूटायरिक, तो ये क्रैमिंग का तरीका आसानी से कैसे रट ले वो बात है। यूरिन के अंदर यूरिक एसिड, मिलते जुलते से नाम है। ओलाइव ऑयल है, इसके अंदर है ओलिक एसिड। प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स, प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट है अमीनो एसिड, बार बार जब अमीनो एसिड मिलते हैं तो उससे प्रोटीन्स बनते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम है अस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी को केमिकल नेम के रूप में कहना हो तो हम कहते हैं अस्कोर्बिक एसिड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे कंटेन फोलिक एसिड, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनमें फोलिक एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिक एंड प्लांट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये एसिड्स पाए जाते हैं। ये एक एक नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आप एनटीएससी का एग्जाम देते हैं या फिर वन मार्क क्वेश्चन है या एमसीक्यू है, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है।
एसिड की डेफिनेशन हमने पढ़ी, अब हम एसिड के टाइप्स पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन था क्लासिफाइड, एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि किस चीज से हमें वो मिल रहे हैं, सोर्स क्या है, और उसके बेस पे दो टाइप का था। ऑर्गेनिक एसिड्स हमने पढ़े कि किन किन चीजों में पाया जाता है अभी, और अब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो इनके सोर्सेज हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आप पीते हो पेप्सी, कोका कोला, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनमें होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। एक बात और याद रखनी है, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आपका स्टेबल नहीं होता है, ये बहुत जल्दी टूटता है। अगर H2CO3 आपको दिया हुआ है तो ये बहुत जल्दी टूट सकता है H2O और CO2 में। एक्सप्लोसिव्स हैं जैसे TNT, ट्राइनाइट्रोटोलविन। फर्टिलाइजर्स हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, इनमें पाया जाता है नाइट्रिक एसिड। इनऑर्गेनिक इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन, ऑर्गेनिक मीन्स ही होता है कार्बन उसमें है, इनमें कार्बन नहीं होता एक्सेप्ट H2CO3, एक वीक एसिड है इसमें है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज है इनऑर्गेनिक एसिड्स की। एक्सप्लोसिव हैं जैसे ट्राइनाइट्रोटोलविन है। फर्टिलाइजर्स हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, उर्वरक जो होते हैं, तो इनमें होता है नाइट्रिक एसिड, ये पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ है, अपने शरीर के अंदर होता है, जो डाइजेशन में काम होता है, हमारे स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। उसमें क्या क्या है, HCl है, वाटर है और अदर सब्सटेंसेस हैं, उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, डाइजेशन करवाता है। तो गैस्ट्रिक जूस में या मेटल सरफेस को क्लीन करना है, टैनिंग इंडस्ट्री में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिटर्जेंट्स जो आप यूज करते हैं, रिन सुप्रीम, व्हील, इन सब में डाइज, एक्सप्लोसिव्स जो विस्फोटक हैं, कार बैटरीज, फर्टिलाइजर्स, इन सब में है H2SO4। इसका ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जब बनाते हैं तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है, यूज करने के कारण, यानी कि बहुत ज्यादा यूज होने के कारण इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। फर्टिलाइजर्स या एंटी रस्ट पेंट हैं, जो रस्टिंग को रोकते हैं, जंग लगने को रोक देते हैं, जंग नहीं लगता है, उनमें पाया जाता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये पहला क्लासिफिकेशन है एसिड्स का, सोर्सेज के बेस के ऊपर, दो तरह का है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक।